हेलो एवरीवन वेलकम टू एनसीईआरटी सी आर टी इन प्लग और इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर वन से जो कि है क्लास चैप्टर नंबर वन फिजिकल वर्ल्ड ऑफ क्लास इलेवन फिजिक्स तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर वन पॉइंट वन वॉट इज फिजिक्स एन लाइन बाय लाइन माइन एक्सप्लेसन समझते हैं इसका ओके नाउ नौ हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दैम द नाइट स्काई विद इट्स ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैज फैसिनेटेड ह्यूम सिंस टाइम ए मेमोरियल सो ह्यूमन्स हमेशा ही अपने आसपास जो वर्ल्ड है उसको लेके कर क्यूरियस रहे हैं हमें जानने की इच्छा रही है कि अपनी चीज़ों आसपास के आस पास की चीज़ों को अपने आस पास की दुनिया को जानने की इच्छा रही है एक बहुत जो चीज़ फैसिनेट करती है वो नाइट्स का है हम सभी अपनी छत में गए हैं बचपन में और बाद में भी ठीक है जैसे हम बड़े हुए लेकिन हमें अब तारों को देखते हैं और उससे हम फैसिनेट होते हैं कि वो चीज़ें है क्या ठीक है जो स्टार्स हैं वो किससे बने वो उनमें लाइट क्यों है ये सारे क्वेश्चन ही हमारे दिमाग में आए हुए ये पैटर्न कैसे बन रहा है ओके द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ द डे एंड नाइट द साइकिल ऑफ सीजन दलिप्स द टाइट्स द वॉलोज द रेनबो ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ वंडर ठीक है तो डे एंड नाइट एक रिपीटेशन में होता है सीजन एक एनअल साइजन सीजन का अलग अलग सीजन एक एक साइकिल में आते हैं ठीक है एकप्सिस सन एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स टाइड्स आते हैं वॉलिनों क्यों होते हैं रेनबो क्यों बनता है ये सारे ही सोर्सेज ऑफ वंडर है जो हमें फैसिनेट भी करते हैं ठीक है साथ ही साथ हमें क्यूरियस भी बनाते हैं ये जानने के लिए कि ये कैसे होते हैं ठीक है द वर्ल्ड हैज़ एन एस्ट्रोनसिंग वेराइटी ऑफ मटीरियल्स एंड वे विल रिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर ठीक है सो इस दुनिया में बहुत तरह चीज़ की चीज़ें कि ठीक है लाइफ भी हमें डाइवर्सिटी है बिहेवियर में डाइवर्सिटी है बायोलॉजी पर आपने डाइवर्सिटी पढ़ी है लाइफ की कितने तरह के प्लांट्स एनिमल्स हैं ठीक है मटीरियल की भी डाइवर्सिटी कितने अलग अलग तरह के मटीरियल्स है ओके द इनक्वाड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द वंडर एंड ऑफ नेचर इन डिफरेंट वेज ठीक है तो ये जो ह्यूमन माइंड का जो इनक्लिंग और इमेजिनेट नेचर है इसने जो वंडर्स है नेचर के इसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में रिस्पॉन्ड किया इस पर वन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्राम द अर्लियस्ट टाइम्स हैज़ बीन टू ऑब्जर्व द फिजिकल एन्वायरमेंट केयरफुली लुक फॉर एनी मीनिंगफुल पैटर्न एंड रिलेशन इन नेचुरल फिनोमिन एंड बिल्ड एंड यूज न्यू टूट विद इंटरेक्ट विध नेचर ओके okay, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं हम ऑब्जर्वेशन जिस तरह से हम रिस्पोंड करते हैं ऑब्जर्व करते हैं हम चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और जब हम ऑब्जर्व करते हैं हमें चीज़ें और क्लियरली दिखाई देने लगती है हमें उसके आंसर मिलने लगते हैं ठीक so, okay? है सो ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ओके और इससे हम मीनिंग ढूंढ पाते हैं पैटर्न ढूंढ पाते हैं रिलेशन ढूंढ पाते हैं ठीक है और इससे हम नए टूल बना देंगे जिससे हम फिर नेचर से इंटरेक्ट करेंगे ठीक है नाउ दिस ह्यूमन एंडीवर लेड इन कोर्स ऑफ टाइम टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसी ऑब्जर्वेशन ने ठीक है इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से हमने क्या किया हमने ऑब्जर्व किया चीज़ों को नेचर को ऑब्जर्व किया और मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने नई नई चीज़ें डिस्कवर की ओके okay? नाउ

इज़ एज ओल्डस्ट ह्यूमन स्पीसीज द अर्लियस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट इंडिया चाइना ग्रीस मेजोपोटामिया एंड मैनी अदर मेड वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इस प्रोग्रेस ठीक है सो जो साइंस है वो एज ओल्ड ह्यूमन स्पीसीज है और पुरानी सिविलाइजेशन इजिप्ट इंडिया चाइना ग्रीस मेजोपोटामिया सभी सिविलाइजेशन ने इसकी प्रोग्रेस में वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया, किया है इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है साइंस के प्रोग्रेस में सारी सी सिविलाइजेशन में ठीक है फ्रॉम द सिक्सटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स ग्रेट स्ट्राइट्स वर मेड इन साइंस एंड यूरोप बाय द मिडल ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी साइंस हैड बिकम अ ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज विद मैनी कल्चर एंड कंट्रीज कंट्रीब्यूटेड टू इट रैपिड ग्रोथ तो सिक्सटीन सेंचुरी के बाद साइंस में बहुत प्रोग्रेस हुई ओके okay? और इसमें ट्वेंटी सेंचुरी में तो एक इंटरनेशनली साइंस सारे कल्चर ने और सारी कंट्रीज ने इसके व्यापिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे सबसे पहले व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज दोकल साइंटिफिक मेथड। साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है ओके सो साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटैम टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज टू सो गन टू प्रडिक्ट मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना ओके तो सिस्टमैटिक अटैम्प्टे एक पर्टिकुलर वे में एक पर्टिकुलर पैटर्न में पर्टिकुलर ऑर्डर में चीज़ों को समझने की कोशिश करना है नेचुरल फिनोमिना को जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन को समझना एक सिस्टमेटिक वे में ओके okay, क्यों होता है वो कैसे हो रहा है रोडउड कैसे है बन रहे ओके okay, रेनफॉल क्यों हो रही है ठीक है सन राइडिज क्यों दिखता है सनसेट और सनराइज के टाइम में स्काई ब्लू क्यों है स्पेस डार्क क्यों है ये सारे ही क्वेश्चन को डिटेल में एक सिस्टमेटिक वे में समझना ओके okay? और इस नॉलेज को यूज़ करके प्रिडिक्ट करना मॉडिफाई करना एंड कंट्रोल करना फिनोमिना को ठीक है इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ओके okay? और मॉडिफाई कर सकते चीज़ों को और कंट्रोल भी कर सकते फिनोमिना साइंस इज एक्सप्लोरिंग एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रडिक्टिंग फ्रॉम वॉट वी सी अराउंड ठीक है तो साइंस में हम एक्सप्लोर करते, करते हैं चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का ठीक है और प्रिडिक्ट करते हैं हमारे आस पास की चीज़ों से ओके okay? तो एक्सप्लोरिंग एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रडिक्ट ठीक है तो बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे फिर उसे एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि क्या होगा ओके द क्यूरोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड एंड ट्रैवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर इज द फर्स्ट स्टेप टूअर्ड द डिस्कवरी ऑफ साइंस ठीक है तो अपने आसपास की चीज़ों को वर्ल्ड को जानना और जो सीक्रेट्स है नेचर के ठीक है बेसिकली नेचर ने क्या किया जो चीज़ों को ठीक है जैसे कि आप हम सभी को पजल सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट आता है क्यों एक मिस्ट्री है ना उसमें कि क्या हो रहा है लॉजिक लगा कि उसको समझना कि क्या है इसमें क्या मीनिंग है पहेलिया सुलझाना वैसे ही इस नेचर में भी बहुत सारी पहेलियाँ हैं ठीक है ठेके? जो हमें सुलझानी है ठीक है तो और इसी से क्या होगा जब हम ऐसा करेंगे अपनी क्यूरसिटी को यूज़ करके ओके तो हम डिस्कवरी करेंगे साइंस में ओके The scientific method involves several interconnected steps. Scientific method में कौन से steps involve हुए important है ध्यान रखना Systematic observation सबसे पहला ही चीज़ है observation वो भी systematic way में हम चीज़ों को observe करेंगे ठीक है तो Newton ने observe किया कि apple fall हो रहा है नीचे क्यों Observation थी उनकी ठीक है अलग अलग लोगों ने observe चीज़ें observe किया अलग अलग scientist ने ठीक है फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद आता है सेकेंड स्टेप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट सो न्यूटन ने पहले ऑब्जर्वेशन किया कि एप्पल नीचे फॉल हो रहा है उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारी चीज़ों को ऊपर फेंका और देखा कि सारी की सारी चीज़ें ही नीचे आ रही है तो ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स थे ओके okay, इसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग ठीक है तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या हो जाएगा रीजन करेंगे ओके okay? लॉजिकल रीजनिंग करें क्वालिटेटिव रीजनिंग में जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया तो न्यूटन ने जब एप्पल्स नीचे गिरे या फिर जो ऑब्जेक्ट उन्होंने थ्रो किया वो नीचे गिरे तो उसका लॉजिक ढूंढा कि ऐसा क्यों हुआ हो होगा ठीक है कोई फोर्स है उसकी वजह से हुआ होगा तो ये क्वालिटेटिव रीजनिंग हो, हो गई क्वान्टिटेटिव में वो कितना है ओके okay, कितनी वैल्यू है उस फोर्स की ओके okay, वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गई ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मैथमेटिकल मॉडलिंग ठीक है तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे फॉर्मूला डिवाइस करेंगे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिवाइस करेंगे जो भी हम फिनिना को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको एक उसके लिए एक फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे जैसे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए हमें पता है ना फार्मूला अभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर नाइन में ठीक है एफिजिकल टू तो ये फार्मूला न्यूटन ने यहाँ पर डिवाइस किया सो दिस इज अ दिस इज अ स्टेप ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग ओके नौ देन प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक है अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया ओके तो इससे हम प्रिडिक्ट कर, इस कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से नीचे करेगा कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को इतनी हाइट से अर्थ में गिरने में ठीक है हमने प्रिडिक्ट कर सकते हैं ओके वेरीफाई करेंगे इसको ठीक है और जो हमारा फॉर्मूला बना है ओके और जो हमारी थ्योरी है वो अब क्या करेगी वो हर एक ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई करनी चाहिए अगर वो ऐसा करती है तो ठीक है अगर नहीं करेगी कोई भी हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये रिजल्ट टू नहीं बैठ रहा है ना हमने एक्सपेरिमेंट किए जिससे हमारी जो थ्योरी है और जो हमारा फॉर्मूला है वो उसमें एरर आ रहा है ठीक है तो हमारी थ्योरी गलत हो सकती है ओके okay, हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा यह एक नई थ्योरी लेके आनी पड़ेगी ओके okay, तो ये सारे स्टेप्स थे आ, साइंटिफिक रिसर्च में ठीक है तो एक बार स्टेप फिर से देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप थे सो दिस आर सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन सेकेंड स्टेप है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रीजनिंग ओके इसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी स्पेकुलशन एंड कंजेस्टर ऑल्सो है प्लेस इन साइंस बट अल्टीमेटली आर साइंटिफिक थ्योरी टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाइड बाय रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट ठीक है तो स्पेकुलेशन और कंजेशन मतलब कैस करेंगे हम हाइफिस बनाएंगे उसका भी प्लेस है ओके लेकिन अल्टीमेटली हमें उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना पड़ेगा तभी वो साइंटिफिक थ्योरी एक्सेप्टेबल होगी ठीक है तो अगर मैं कोई भी चीज़ जैसे कि कोई ऑब्जर्वेशन है जैसे कि आ, सन हमें सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे रेडिस दिखाई देता है तो इसमें मैं कुछ भी स्पेकुलेट कर सकता हूँ मैं ये बोल सकता हूँ कि बिकॉज रेड कलर की जो रेड uh, कलर है उसकी वेवलेंथ लॉन्ग है इसलिए वो उसको uh, हम तक पहुँच पाती है ठीक है इसलिए रेडिश दिखाई देता है तो ये मैंने स्पेकुलेट किया सपोज लेकिन इसको फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको जस्टिफाई वेरीफाई करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू तो वेरीफाई करना पड़ेगा ठीक है और हर और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे जहाँ हमें दिखाई देगा कि रेड लाइट सच में डेविएट नहीं होती तभी हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे ओके देर इज मच फिलोसफिकल डिबेट अबाउट द नेचर एंड मैथर ऑफ साइंस डेट वी नीड नॉट डिस्कस हियर ठीक है इसके बाद आगे बढ़ेंगे द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस ठीक है तो थ्योरी और ऑब्जर्वेशन के बीच में इंटरप्ले ठीक है एक दूसरे को क्या करेंगे थ्योरी ऑब्जर्वेशन एक तरह से uh, ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं ओके साइंस इज एवर डायनामिक, देर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनकोशन अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट एवर डायनामिक है ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ यहाँ पर आके हम स्टॉप हो गए बस हाँ ये हो गया वो चलती ही रहेगी ओके okay? और कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं आ सकती ओके okay? उसमें कुछ ना कुछ क्या हम क्वेश्चन करते जाएंगे ठीक है जो कोई भी थ्योरी हम क्वेश्चन करते जाएंगे ऐसा एक आ, ऐसा कहा भी जाता है ठीक है इफ़ यू ब्रेक रूल इन 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 योर स्टेट ओके यू गो टू प्रिजन बट इफ़ यू ब्रेक अ रूल इन फिजिक्स यू गेट नोबल प्राइज समथिंग लाइक दिस है ना ऐसा कुछ है तो कहने का मतलब है कि आपको हम क्वेश्चन किया जाता है जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज में भी क्या ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसी कोई थ्योरी नहीं इसमें क्वेश्चन ना किया जाए हम साइंटिस्ट क्वेश्चन करते जाते हैं जो एग्जिशन थ्योरी पे ताकि उसको मॉडिफाई कर सके और उसको रिप्लेस कर सके नई थ्योरी ओके जो करेक्ट है ओके एज ऑब्जर्वेशन इंप्रूव इन डिटेल एंड प्रिस और एक्सपेरिमेंट ये न्यू रिजल्ट थ्योरीज मस्ट अकाउंट फॉर देम इज इफ़ नेसेसरी टू ने मॉडिफिकेशन ठीक है तो ऑब्जर्वेशन जैसे हम इम्प्रूव करेंगे उनकी डिटेल जैसे कि एग्जाम्पल अभी मुझे जो ध्यान में आ रहा है है ना पहले हम ऑब्जर्वेशन करते थे ओके जब हमारे पास माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं था तो हम ऑब्ज़र्वेशन किया हमने हमने एक थ्योरी बनाई ठीक है कि जैसे कि पार्टी सारी सब कुछ किससे बना है एटम से बना है ओके उसके बाद हमारे पास आ, और है ना पार्टिकल से बना है बेसिकली उसके बाद डेल्टे नहीं थ्यूरी एटम से है ओके वो इंडिजिबल है उसके बाद और बेटर माइक्रोस्कोप आए ठीक है फ्यूचर में हो सकता है कि हम और भी डिटेल में देख पाए ठीक है और भी उसके सब एटॉमिक लेवल तक हम जा पाए ओके सो so, हम देख रहे हैं कि जैसे ऑब्जर्वेशन में हम ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं था बट आप इससे समझ पाए कि जो ऑब्जर्वेशन में जैसे डिटेल जाए इम्प्रूवमेंट आएगा डिटेल में तो हम जो एग्जी थ्योरी है उसे क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें मॉडिफाई करने की नीड पड़ेगी जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हमने नया किया जिसने जो थ्योरी पे क्वेश्चन कर दिया ठीक है तो उसमें मॉडिफिकेशन की नीड होगी सो so, जो लॉ है ओके एम्पियर सर्किट लॉ में जो मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन किया था और वो बना था एम्पियर मैक्सवेल सर्किटर लॉ ठीक है समटाइम्स द मॉडिफिकेशन मे नॉट बी ड्रास्टिक एंड मे लाइव विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सिस्टिंग थ्योरी फॉर एग्जाम्पल वेन ज्वाइना एग्जामिन द एक्सटेंसिव डेटा ऑन प्लेनेटरी मोशन कलेक्टेड बाय टाइको ब्राहे द प्लैनिटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन हीलियोसेंटिक थ्योरी इमेजिन बाय न्यूकोलस कॉपरनिकस है रिप्लेस बाय लिप्टिकल ऑर्बिट टू फिट द डेटा बेटर ठीक है तो जैसे कि जोनस कैपुलर ने जब टाइकोब्राई की जो ऑब्जर्वेशन थी पूरी लाइफ लॉन ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने पूरी पूरी लाइफ ही अपनी सेलिशियर बॉडीज को ऑब्जर्व करने में बिता दी ओके डेटा कलेक्ट किया उस डेटा को जब जॉनस कैप्टर ने पढ़ा एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि जो न्यूकोलस कॉपरनिकस की थ्योरी हीलियोसेंटिक थ्योरी थी मतलब सन सेंटर पे सोलर सिस्टम के और जो जो प्लैनेट्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहे हैं वो डेटा को करेक्टली जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं ओके okay, इसलिए उसको मोडिफाई किया गया इलेप्टिकल ऑर्बिट्स ठीक है तो इसमें देखोगे आप बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है लेकिन चेंज है ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ इस केस में कई के उम्र बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही कंप्लीटली अपोजिट चीज़ भी ट्रू हो सकती है ठीक है तो लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आए बस सर्कुलर ऑर्बिट से हमने उसको डेटा फिट सही बैठाने के लिए हमने क्या किया इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं ठीक है ऐसा आ, उन्होंने कहा ओके ये थ्योरी दी कैप्रेड ने नाउ ओकेशनली हाव एवर द एक्जिटिंग थ्योरी सिंपली अनएबल टू एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन दिस कॉज इज अ मेजर अफिल इन साइंस लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है जो थ्योरी है वो सिंपली फील हो जाएगी ओके okay, वो नए ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाती ठीक है तब हमें उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा इन द बिगिनिंग जस्ट सेकेंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्वेंटी ऐट सेंचुरी इट वॉज रियलाइज दैट न्यूटोनियन मैकेनिक्स टिल देन अ वेरी सक्सेसफुल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन सम ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ एटोमिक फिनमिना इसका बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये वाला है ठीक है तो नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी में ठीक है जब हम एटॉमिक लेवल पे जाने लगे सब एटॉमिक लेवल पे जाने स्टडी करने लगे तो हमें रियलाइज हुआ कि सब एटॉमिक लेवल पे न्यूट्रनिक मकैनिक्स वर्क नहीं करेगी ठीक है ये न्यूटन मकैनिक्स फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है यहाँ पर हमें एक नई तरह की थियो नई तरह की मैके नई तरह की फिजिक्स से इसको समझना पड़ेगा तो वहाँ पर बर्थ हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का जो सब एटॉमिक लेवल के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए ओके सिमिलरली द देन एक्सेप्टेड वॉय पिक्चर ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन द फोटोलेक्टिव प्रॉपर्टी ठीक है इसी तरह से जो फेव पिक्चर थी लाइट की उसको भी फोटोलेक्टिव इफेक्ट को वो ये समझा नहीं पाई तो वहाँ पर फिर से पार्टिकल नेचर आया क्वान्ट मैकेनिक्स समझाया जो आप क्लास ट्वेल्व में पढ़ोगे दिस लेट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ रेडिकली न्यू थ्योरी क्वान्ट मैकेनिक टू डील विथ एटोमिक एंड मोलिकुलर फिनोमिना ओके आज इस वीडियो में इतना ही है रखते हैं और कल हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ़ दिस पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे